नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। और क्रिश्चियन मिचेल एक्सट्राडिशन पर भारत वापस आ गए हैं, उन्हें दुबई से भारत लेकर आया गया है। अब इसका क्या मतलब है और इसके अंतर और क्या क्या चीजें आती हैं, वो सभी चीजें हम आपको बताने वाले हैं। हम आपको 6 पॉइंट्स बताएंगे इस पूरी वीडियो में, जिसमें आपको पूरा का पूरा केस समझ में आ जाएगा। इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये होगा कि ये स्कैम क्या था, दूसरा पॉइंट मिचेल कौन था, तीसरा पॉइंट होगा कौन कौन इस पूरी डील में इन्वॉल्व है, और साथ ही साथ हम एक आपको हैंड रिटन डायरी के बारे में बताएंगे जो कि मिचेल ने लिखी थी, जिसमें पूरे स्कैम के बारे में ब्यौरा दिया गया था। तो उस डायरी में क्या लिखा है वो भी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। साथ ही साथ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि मिचेल के ऊपर जो चार्जशीट है उसमें क्या लिखा है, और इस पूरे केस का, अगस्ता वेस्टलैंड केस का और इस एक्स्ट्राडिशन का विजय माल्या के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है, ये सारी चीजें इस वीडियो में कवर होने वाली हैं। आप देखते रहिए आज की ताजा खबर। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से। पहला पॉइंट है कि ये स्कैम क्या था। ये स्कैम उजागर होता है 2013 में, जब इटली के एक कोर्ट में मिचेल के ऊपर केस चल रहा होता है, और मिचेल के बारे में जो डॉक्यूमेंट्स हाथ लगते हैं उससे पता चलता है कि भैया इन्होंने तो अगस्ता वेस्टलैंड, जो कि भारत के साथ मिलकर कुछ चॉपर्स देने का प्लान कर रही थी, उसमें कुछ घपलेबाजी की है, जिसकी वजह से यहां पर भी एक स्कैम का खतरा देखा गया, जिसके ऊपर जांच होनी शुरू हुई तो पता चला कि इसमें स्कैम था। और उसके बाद 2014 में जो ये डील हो रही थी इसको रद्द कर दिया गया। अब हम आपको थोड़ा सा और बताते हैं इस डील के बारे में। 2005 में ये डील शुरू होनी शुरू हुई थी। 2005 में पहली बार मिचेल और उनके कुछ साथी भारत में आए थे, डिफेंस के ऑफिशियल से मिले थे, कुछ पॉलिटिशियन से मिले थे, और साथ ही साथ कुछ मीडिया कर्मियों से मिले थे। और उसके बाद 2005 से 2013 तक लगातार वो 300 से ज्यादा बार भारत आए, और इसी पूरे सिलसिले में उन्होंने अपनी मीटिंग्स करी कुछ ऑफिशियल्स से, कुछ पॉलिटिशियंस से, और कुछ हमारे जर्नलिस्ट से, कुछ मीडिया कर्मियों से। अब इस पूरे प्रकरण में कुछ पॉलिटिशियंस का नाम है, कुछ मीडिया कर्मियों का नाम है, और साथ ही साथ गांधी परिवार तक का नाम है, सोनिया गांधी तक का नाम इसमें इन्वॉल्व है। ये जो पूरा स्कैम है, ये 3600 करोड़ रुपए का स्कैम है। इसको अगस्ता वेस्टलैंड चॉपर स्कैम के नाम से जाना जाता है, और इसमें अगस्ता वेस्टलैंड नामक कंपनी को 12 चॉपर देने थे भारत को, भारत की डिफेंस सर्विसेज के लिए। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। इसमें हम आपको बताएंगे कि मिचेल कौन है। क्रिश्चियन मिचेल जेम्स, ये बेसिकली एक ब्रिटिशर है जो कि रहता है कहां पर, रहता है यूएई में, दुबई में। दुबई में इसकी एक ग्लोबल सर्विसेज नाम से कंपनी है, उसको वहां से रन करता है। और इस पूरे स्कैम के अंदर जो ब्राइब देने का, जो घूस देने का काम था, वो इसी ने किया था। ये एक मिडलमैन था अगस्ता वेस्टलैंड और भारत की डिफेंस सर्विसेज, भारत के पॉलिटिशियंस के बीच में। तो ये बेसिकली वो आदमी था जिसने अगस्ता वेस्टलैंड और भारत के पॉलिटिशियंस को मिलवाया था और कहा था कि इनके साथ आप डील कीजिए। तो ये एक मिडलमैन की भूमिका यहां पर निभा रहे थे। अब 2005 से इनका काम होना शुरू हो गया था। 2005 में अगस्ता वेस्टलैंड ने इन्हें हायर किया था, और 2005 में इन्होंने अपनी पहली मीटिंग करी थी भारत के डिफेंस ऑफिशियल्स के साथ। उनको कहा था कि आप इस तरीके से थोड़े से चेंजेस कर लीजिए, और अगस्ता वेस्टलैंड से आप इस करार को कर लीजिए, उसके बदले में आपको इतना पैसा मिल जाएगा। जो पहली डिमांड थी भारत के ऑफिशियल्स की वो ये थी कि जो हेलीकॉप्टर है वो 6000 की ऊंचाई तक उड़ना चाहिए। लेकिन फिर बाद में जब ये भाई साहब बीच में आ जाते हैं, तो उसके बाद इस डिमांड को कट शॉर्ट कर लिया जाता है, और कहा जाता है कि 4500 मीटर की ऊंचाई पर भी अगर उड़ते हैं तो भी हम काम चला लेंगे। तो ये बेसिकली इनका काम था। अगस्ता वेस्टलैंड ने इनको इसी काम के लिए भेजा था। मिडलमैन की पूरी भूमिका इन्होंने निभाई, और साथ ही साथ जो ब्राइब देने का पैसा था वो भी इन्होंने अपने पास रखा, और उसके बाद ऑफिशियल्स को भारत में प्रोवाइड किया। अब दोस्तों इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि क्रिश्चियन मिचेल के जो फादर थे, जिनका नाम था वुल्फ गैंग मिचेल, वो भारत में बैन थे। वो पहले आर्म्स के डीलर थे, और 1980 में उन्हें बैन कर दिया था, ब्लैकलिस्ट कर दिया था भारत ने।
तो यहां पर ऐसे व्यक्ति जिसके फादर ब्लैकलिस्टेड थे उसी से हम डील करवा रहे थे, तो आपको यह बात पता होनी जरूरी है। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ और इसमें हम आपको बताते हैं कि एक हैंड रिटन डायरी मिली है। ये जो हैंड रिटन डायरी है इसमें पूरा का पूरा ब्यौरा दिया गया है कि किसको कितना पैसा दिया गया है, कौन से अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हुआ है और सारी इस तरीके की चीजें इस हैंड रिटन डायरी में लिखी हैं। अब ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि ये जो हैंड रिटन डायरी है ये मिचेल ने ही अपने हाथों से लिखी है, लेकिन मिचेल ने इस बात को डिनाई किया और उन्होंने कहा कि गोइडो हैशके ने ये डायरी लिखी है, ये डायरी मैंने नहीं लिखी है। मतलब इन्होंने इस बात का तो सबूत दे ही दिया कि इस प्रकार की एक डायरी मेंटेन की गई थी और ऐसी डीलिंग्स बीच में हुई थी और इस प्रकार से ये स्कैम है, तो यहां पे इन्होंने इस बात की तो पुष्टि कर ही दी है। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अब दोस्तों बताते हैं कि मिचेल के ऊपर जो चार्जशीट है उसमें क्या लिखा गया है। मिचेल के ऊपर चार्जशीट है उसमें यह लिखा गया है कि ये एक ब्रिटिशर है, ये दुबई में रहता है और 42 मिलियन यूरोज इसने लिए थे अगस्ता वेस्टलैंड से ये पूरी डील क्रैक करने के। तो मेन जो चार्ज है वो यही है कि इसने 42 मिलियन यूरोज लिए थे अगस्ता वेस्टलैंड से भारत के पॉलिटिशियंस को देने के लिए, भारत के पॉलिटिशियंस को ब्राइब करने के लिए और साथ ही साथ ये डील कैरी आउट करवाने के लिए। अब इसने ये कैरी आउट कैसे किया जो कि चार्जशीट में लिखा हुआ है, उसमें इन्होंने बताया कि ग्लोबल सर्विसेज नाम की एक कंपनी है जो कि दुबई में है, जो कि इन्हीं की कंपनी है और साथ ही साथ इन्होंने एक इंडिया में भी अपनी कंपनी खोल रखी थी जो कि एक मीडिया कंपनी थी। उस मीडिया कंपनी में दुबई से पैसा ट्रांसफर किया जाता था और फिर वहां से उस मीडिया कंपनी जो इंडिया में मीडिया कंपनी थी उसके थ्रू जो हमारे पॉलिटिशियंस थे या फिर ऑफिशियल्स थे या फिर मीडियाकर्मी अन्य मीडियाकर्मी थे उनको वो पैसा ब्राइब के तौर पर दिया जाता था। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा प्रोसेस किया जाता था और मिचेल इसका एक मुख्य अभियुक्त था। अब इसमें इन्होंने साथ ही साथ ये भी लिखा है कि सोनिया गांधी इस पूरे के पूरे मुद्दे में इन्वॉल्व्ड थी। अब इसके ऊपर जो इनके वकील हैं यानी कि मिचेल के जो वकील हैं उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि जबरन इनसे सोनिया गांधी का नाम लिखवाया गया है, सोनिया गांधी का इससे कुछ लेना देना नहीं है। तो यहां पर ये चार्जशीट की बात खत्म हो जाती है और अब हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। अब दोस्तों हम आपको बताते हैं कि इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है विजय माल्या जैसे लोगों के ऊपर। अब ये एक्सट्रैडिशन का जो फैसला है ये भारत के पक्ष में आता है। जब भारत के पक्ष में ये फैसला आता है तो उसके बाद विजय माल्या डर जाते हैं। विजय माल्या इस कदर तक डर जाते हैं कि 2 साल से जो लंदन में बैठे हुए विजय माल्या हैं वो अचानक से उठ खड़े होते हैं और कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि भारत के जो बैंक्स हैं, भारत की जो गवर्नमेंट है वो मुझसे सारा का सारा पैसा ले ले। जितना पैसा मैंने गबन किया है, जितने पैसे का मेरे ऊपर गबन का चार्ज है वो सारा का सारा पैसा मुझसे ले ले, मैं पूरा सेटलमेंट करने के लिए तैयार हूं। एक्सट्रैडिशन के अपने प्रोसेस होते हैं, उस एक्सट्रैडिशन में नहीं पड़ते, मुझसे पैसा ले लिया जाए। अब दोस्तों यहां पर गौरतलब बात यह है कि विजय माल्या कह रहे हैं कि वो 100% ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट देना चाहते हैं। अब यहां पे लोगों को तो लगेगा कि भाई ये तो पूरा पूरा अमाउंट दे रहे हैं, पर ऐसा नहीं है, इसमें बहुत बड़ा झोल है जिस ऑफर को भारत की सरकार नहीं मान सकती। तो इसमें विजय माल्या ने कहा कि मैं 100% ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट दे रहा हूं, जो कि प्रिंसिपल अमाउंट है 4800 करोड़ रुपए का, यानी कि 4800 करोड़ रुपीज का। अब इस 4800 करोड़ रुपए के ऊपर इंटरेस्ट लगा होगा, वो जो इंटरेस्ट है वो लगा है 3200 करोड़ रुपीज का, और अगर हम दोनों को जमा कर दें, ऐड कर दें, तो हमारा टोटल आता है 8000 करोड़ रुपीज के आसपास। अब 8000 करोड़ रुपए की जगह वो देना चाहते हैं 4800 करोड़ रुपए, तो ये कहां का इंसाफ है? क्या 3200 करोड़ रुपए भारत की पब्लिक का इन्होंने गबन कर लिया वो सही है? तो इसीलिए भारत की गवर्नमेंट इनका ये जो जुमला है ये एक्सेप्ट नहीं कर रही है। तो दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि जो एक्सट्रैडिशन का जो प्रोसेस है ये पूरा होता है विजय माल्या के ऊपर, तो इससे भारत की सरकार को क्या फायदा होगा या फिर भारत के लोगों को क्या फायदा होगा? अगर एक्सट्रैडिशन में विजय माल्या जाते हैं
तो उनकी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी जिसको कन्फिस्केट किया है भारत की गवर्नमेंट ने, उसको बेचा जाएगा। और उसको जो बेचने से अमाउंट वापस मिलेगा वो करीबन 12,500 करोड़ रुपए का होगा, यानी कि 8,000 करोड़ रुपए लोन जो इनका बनता है पूरा इंटरेस्ट के समेत, उसकी जगह भारत की सरकार को मिलेगा 12,500 करोड़ रुपए। और इसके प्रूफ्स ये हैं कि जो इनकी कंपनी है जो लिकर बनाती है किंग फिशर्स, उस कंपनी के स्टेक्स को बेचा जाएगा, उस कंपनी को बेचा जाएगा और यूबी ब्रूरीज उसको 20% हाइक के साथ खरीदने के लिए तैयार भी है। तो यहां से एक बहुत बड़ी अच्छी डील भारत की सरकार को मिल सकती है और पूरा पैसा, बल्कि पूरे पैसे से ज्यादा ही रिकवर किया जा सकता है विजय माल्या से। विजय माल्या का जो डिसीजन आना है एक्सट्रेडिशन का, वो आना है 10 दिसंबर को, यानी कि आज से 4-5 दिन के बाद ही। तो 5 दिन का अगर हम वेट करें और उसमें एक्सट्रेडिशन में हमारे हक में फैसला आए, तो हमें विजय माल्या की इस प्रकार की बेकार सी डील को एक्सेप्ट करने की कोई जरूरत नहीं होगी, जिसमें वो केवल आधा अमाउंट रीपे करने की बात कर रहे हैं। अब दोस्तों हम आपको दिखाते हैं कि इसका प्रभाव जो है, ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है, इसका प्रभाव भारत के चुनावों पर कैसा पड़ेगा, चाहे वो राजस्थान के चुनाव हो, चाहे वो 2019 के चुनाव हो। तो इस बात को नरेंद्र मोदी ने अभी से भुनाना शुरू कर दिया है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ये पूरी की पूरी बात जाती हुई दिखाई दे रही है। आप ये स्पीच देखिए नरेंद्र मोदी की। मैंने कहा था हेलीकॉप्टर कांड हुआ था कि नहीं हुआ था, हजारों करोड़ का घपला हुआ था कि नहीं हुआ था, देश में वीवीआईपी हेलीकॉप्टर, और वो चिट्ठी तो मालूम होगी, मैडम सोनिया जी की चिट्ठी है, वीवीआईपी हेलीकॉप्टर, वीवीआईपी हेलीकॉप्टर। भाइयों बहनों, हम लगे सरकार में आने के बाद सारी फाइलें कागजें पता नहीं कहां कहां लगा दिया था, ढूंढते रहे ढूंढते रहे ढूंढते रहे, और उसमें से एक राजदार हाथ लग गया। ये दलाली का काम करता था, हिंदुस्तान के ये नामदारों के यार दोस्तों को वो कटकी देता था, उनका ख्याल रखता था। भागा हुआ था, इंग्लैंड का नागरिक था, दुबई में रहता था, शस्त्रों का सौदागर था, हेलीकॉप्टर बेचने खरीदने में दलाली का काम करता था, राजनेताओं को सेवा शुश्रूषा दुबई में करने का काम करता था। भाइयों बहनों, आज आपने अखबारों में पढ़ा होगा भारत सरकार कल दुबई से उसको उठा करके ले आई है। अब ये राजदार राज खोलेगा, पता नहीं बात कब तक पहुंचेगी, कितनी दूर तक पहुंचेगी। तो दोस्तों हमने इसमें पूरी की पूरी स्टोरी कवर करने की कोशिश की है, उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो से लाभ हुआ होगा, आपकी नॉलेज बढ़ी होगी और आपने सारे के सारे पॉइंट्स को ढंग से सुना होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करके बताएंगे वीडियो कैसी लगी, और साथ ही साथ आप हमें सब्सक्राइब करेंगे यहां पर और बेल आइकॉन को जरूर दबाएंगे ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आप हमें ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करेंगे और साथ ही साथ आप हमें patreon.com पर भी मदद दे सकते हैं ताकि हमारा जो काम है वो और बेहतर हो सके। आपको इन सभी चीजों के, चाहे वो पेट्रियन हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो या ट्विटर हो, इन सभी के जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, स्क्रीन पर भी आप लिंक को देख सकते हैं और साथ ही साथ एंड एनोटेशंस में ये लिंक आपको मिल जाएगा। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।